हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। इस महीने के आखिरी दो दिन यानी बुधवार और गुरुवार को देश के सभी बैंकों में हड़ताल रहेगी। इस हड़ताल की वजह आपकी सैलरी में देरी हो सकती है। इसके साथ ही एटीएम में पैसा भी नहीं मिलने के आसार हैं। नेट बैंकिंग आरटीजीएस एनईएफटी पर पड़ेगा असर। अगर आप नेट बैंकिंग आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो यह सेवाएं नहीं मिलेंगी। नेट बैंकिंग वालों को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा एटीएम में कैश मिलने पर भी दिक्कत हो सकती है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक सहित पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर के सभी बैंकों के अधिकारी कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर रहेंगे। इस वजह से हो रही है हड़ताल। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA द्वारा वेतन में 2% की मामूली बढ़ोतरी के खिलाफ 30 मई से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की धमकी दी है। अगर हड़ताल होती है तो फिर देश भर में अरबों रुपए का कारोबार प्रभावित होने की आशंका है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFU ने एक बयान में बताया कि बीते 5 मई को हुई बातचीत के दौरान IBA ने वेतन में 2% की बढ़ोतरी सहित 2 प्रस्ताव दिए थे जिसे खारिज कर दिया गया है। पिछली बार हुई थी 15% वृद्धि। AIBA के महासचिव CH वेंकटचलम ने बताया कि इसके अलावा वह इस बात पर अड़े रहे कि अधिकारियों की मांगों पर बातचीत स्केल 3 तक ही सीमित रहेगी। पिछली बार IBA ने वेतन में 15% की बढ़ोतरी की थी। UFPU ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBA तथा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स NOBW सहित 9 संगठनों का एक निकाय है। 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFPU के आह्वान पर देश के 10 लाख बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी 30 और 31 मई को हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन के सचिव कॉमरेड इंद्रपाल राठी ने कहा कि आज बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन वृद्धि जो 1 नवंबर 2017 से कंड दिया है IBA के 2% वृद्धि के शर्मनाक प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। बैंक कर्मियों की मेहनत व ईमानदारी का 2% वृद्धि प्रस्ताव एक मजाक बनकर रह गया है। बैंक कर्मचारी दूरदराज क्षेत्रों में विकट परिस्थिति में रोज 12 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार की ऋण वसूली के लिए कड़े कानून नहीं बनाए जा रहे हैं जिससे बैंक के डिफॉल्टर लाभ उठा रहे हैं।